जी तो देखें, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने वाले हैं, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। ठीक हो गया। तो चैप्टर नंबर 10 का नेम है कॉनिक सेक्शन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सेक्शन 10.1 में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कॉनिक सेक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास सेक्शन 10.1 है। ठीक हो गया। उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है पैराबोला को, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इलिप्स को, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हाइपरबोला को। तो पैराबोला क्या होता है, तो देखें, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम पैराबोला और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। फिर उससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इलिप्स के बारे में सीखेंगे कि इलिप्स क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम पैराबोला को देखते हैं। देखें तो कॉनिक सेक्शन फॉर विच ई इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड पैराबोला। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकती है, अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट एंड अ गिवन फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन इज अ पैराबोला। कि एक प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन में हमारे पास जो प्लेन में तमाम पॉइंट्स पर मुश्तमिल जो एक सेट होगा उसे हम पैराबोला कहेंगे। ठीक हो गया। तो सब देखें, फोकस क्या होता है, द फोकस हमारे पास होता है द फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इज़ द फोकस ऑफ द पैराबोला। जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होगा ना, वो हमारे पास पैराबोला का फोकस होगा। मीन के फोकस जो है वो पैराबोला के अंदर आता है। ठीक हो गया। उसके बाद डायरेक्टर साइड डिफरेंस क्या होता है, द फिक्स्ड लाइन होती है जिसे हम स्ट्रेट लाइन भी बेसिकली कहते हैं। ये हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन होती है, इज़ द डायरेक्टर ऑफ द पैराबोला। पैराबोला में हम जो हमारे पास फिक्स्ड लाइन होगी वो हमारे पास डायरेक्टर्स होगा, और जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो हमारे पास पैराबोला में फोकस होगा। तो फोकस जो है वो पैराबोला के अंदर होता है, और ये जो डायरेक्टर्स है बोला जहाँ हमारे पास ओरिजिन में कट करेगा बिल्कुल सामने उसके डायरेक्टर्स होगा। मीन के डायरेक्टर्स पैराबोला के बिल्कुल सामने होगा जहाँ से वो ओरिजिन को कट कर रहा होगा पैराबोला। ठीक हो गया। और इसके बाद इसके एक्सरसाइज 10.1 में पैराबोला से रिलेटेड कुछ रूल हैं, उस रूल को डिस्कस करेंगे, फिर इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड पैराबोलास। अब देखें, सबसे पहले इसका फर्स्ट रूल है, अगर इक्वेशन हो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, तो उसका जो फोकस होता है एफ, फोकस को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इंटू पी जीरो होगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे पी और वाई पे जीरो। उसका जो डायरेक्टर्स होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस पी होगा, अगर इक्वेशन हमारे पास इससे रिलेटेड आ जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px से रिलेटेड हो या इस जैसी कोई ना कोई शक्ल हो। तो वर्टेक्स जो होंगे वी इंटू 0 0, एक्स पे भी जीरो और वाई एक्सिस पे भी जीरो होगी। एक्सेस हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस पे जहाँ हमारे पास एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस पे हमारे पास वाई जीरो होता है। ठीक हो गया। ओपन्स होगा टू दी राइट, राइट की तरफ हमारे पास पैराबोला ओपन होगा। अब यहाँ देखें, इसका जो ग्राफ बनता है वो या कर्व इस तरह से बनता है। देखें, ये राइट की तरफ ओपन है हमारे पास। ठीक हो गया। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px है तो ये राइट की तरफ ओपन होगा, और ये देखें, मैंने कहा था कि जो हमारे पास फोकस होगा वो पैराबोला के अंदर होगा। तो एफ इंटू पी जीरो, यहाँ के जो हमारे पास पी एक्सेस है ये एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वाई यहाँ पर हमारे पास जीरो होता है, इसीलिए ये जीरो लिखा हुआ है, और ये फोकस पैराबोला के अंदर है। अब पैराबोला के सामने जहाँ ओरिजिन को कट कर रहा होगा उसके बिल्कुल सामने उसकी डायरेक्टर्स की लाइन होगी। ठीक हो गया। तो ये डायरेक्टर्स की लाइन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस पी, डायरेक्टर्स हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस पी होगा, पी का कोई भी 1 2 3 हो सकता है, उससे रिलेटेड हमने इस डायरेक्टर्स की लाइन को अरेंज करना होगा। ठीक हो गया। अब हम इसका रूल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि इसके रूल नंबर टू में क्या क्या होता है। देखें, ये हमारे पास पैराबोला का सेकंड रूल है कि अगर इक्वेशन हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, और उसका जो हमारे पास पहले था हमारे पास फर्स्ट रूल में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4px, अगर नेगेटिव 4px हो तो क्या इक्वेशन बनेगी। तो देखें, वो जो फोकस होगा वो माइनस पी इंटू जीरो होगा। ठीक हो गया। और डायरेक्ट फोकस हमारे पास एक्स एक्स पे माइनस पी होगा, क्योंकि वाई जीरो होगा हमारे पास। ठीक हो गया। और डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू पी के इक्वल लेंगे, वर्टेक्स 0 0 होंगे, एक्सेस हमारे पास एक्सेस होगा जहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होती है। ओपन टू दी लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ ओपन होगा। ठीक हो गया। तो इसकी इक्वेशन अगर वाई से इज इक्वल टू माइनस 4px से रिलेटेड कोई इक्वेशन आ जाए या इक्वेशन आ जाए, तो उसका जो हमारे पास कर्व बनता है वो लेफ्ट की तरफ ओपन होता है। ये देखें, पैराबोला जो है लेफ्ट की तरफ ओपन है, और जहाँ से ओरिजिन से ये कट करके गुजर रहा है, ओरिजिन के बिल्कुल सामने हमारे पास डायरेक्टर्स की लाइन होगी एक्स इज इक्वल टू पी, तो ये एक्स इज इक्वल टू पी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, फोकस है, फोकस मैंने कहा था पैराबोला के अंदर होता है, तो ये बिल्कुल फोकस पैराबोला के अंदर गिवन है हमारे पास। ठीक हो गया। अगर हमारे पास इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4px आती है, तो उसका कर्व इस तरह से बनेगा पैराबोला। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4px आती है, तो उसका हमारे पास जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी कि राइट की तरफ पैराबोला ओपन होगा। अब हम इस पैराबोला का थर्ड रूल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास रूल नंबर थर्ड है कि अगर इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, अब पहले हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4px था, पॉजिटिव 4p, नेगेटिव 4px
एक्स था। अब हमारे पास इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी वाई आए तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखें उसका जो फोकस होता है एफ इंटू जीरो पी होगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्स जीरो होगा, वाई प्रेजेंट होगा, वाई की जगह पी। डायरेक्टर्स वाई हमारे पास माइनस पी के इक्वल होगा। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टर्स वाई से स्टार्ट होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस पी। वर्टेक्स हमारे पास जीरो जीरो होंगे, एक्स वाई एक्सेस होगा और एक्स यहाँ पर जीरो होगा। और हमारे पास जो पैराबोला होगा वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, अप साइड, ठीक हो गया। अब इसके इसका जो ग्राफ या कर्व बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे बनेगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से इसका जो हमारे पास कर्व होगा पैराबोला वो ऊपर अप साइड की तरफ ओपन होगा, ठीक हो गया। बिल्कुल इसके जहाँ से ये ओरिजिन से कट कर रहा है बिल्कुल सामने इसके हमारे पास डायरेक्टर्स होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस पी। ये हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट है और ये जो फोकस होता है वो पैराबोला के अंदर होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी वाई की जो इक्वेशन होगी या इससे रिलेटेड जो इक्वेशन गिवन होगी तो उसका पैराबोला इस तरह से हम ओपन करेंगे, ठीक हो गया। और उसके फोकस के जो पॉइंट होंगे वो जीरो और पी होंगे, वर्टेक्स ये वर्टेक्स जीरो जीरो होंगे और डायरेक्टर्स की ये लाइन होगी, ठीक हो गया। क्योंकि अब देखें ये हमारे पास नेगेटिव साइड है इसीलिए वाई इक्वल टू माइनस पी हमने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब हम पैराबोला के फोर्थ रूल की तरफ आते हैं कि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। हमारे पास पैराबोला का फोर्थ रूल है कि अगर इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव फोर पी वाई, पहले रूल नंबर थ्री में था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव फोर पी वाई। अगर अब हमारे पास रूल नंबर फोर में अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव फोर पी वाई है तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को इसके फोकस क्या होंगे, डायरेक्टर्स क्या होंगे, वर्टेक्स एक्सिस और ओपन, तो ये हमने देखा है। इसका जो फोकस होगा एफ इंटू जीरो माइनस पी होगा, डायरेक्टर्स वाई इज इक्वल टू पी होगा, वर्टेक्स जीरो जीरो होंगे, एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस प्रेजेंट होगा जहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ओपन ये हमारे पास पैराबोला डाउन नीचे की तरफ ओपन होगा, ठीक हो गया। तो देखिए अगर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आता है एक्स के इज़ इक्वल टू माइनस फोर पी वाई इस फोर्थ रूल के रिलेटेड आता है तो उसके जो पैराबोला की इक्वेशन होगी उसे हम बिल्कुल नीचे की तरफ बनाएंगे, ठीक हो गया, डाउन की तरफ। तो जो मैंने बताया था जो फोकस होता है वो पैराबोला के अंदर होता है और यह हमारे पास ओरिजिन के पॉइंट है और जहाँ पैराबोला ओरिजिन को कट कर उसके बिल्कुल सामने ये हमारे पास डायरेक्टर्स की लाइन होगी, वाई इज इक्वल टू पी। अब हम एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 10.1 में पैराबोला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हमने उसको डिस्कस करने हैं, ठीक हो गया। तो हम एक्सरसाइज 10.1 की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 है तो गिवन है आइडेंटिफाइंग ग्राफ्स, मैच द पैराबोलास इन एक्सरसाइज 1-4 विद द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स के इज इक्वल टू 2y गिवन है, एक्स के इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई गिवन है, वाई से केयर इज इक्वल टू 8x और वाई से केयर इज इक्वल टू माइनस 4x। मीन के हमारे पास 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 क्वेश्चन है, इसकी हमने फोकस निकालने हैं वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स, ठीक हो गया, और पैराबोला की इक्वेशन के थ्रू हमने इसका ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो एंड फाइंड द पैराबोलास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ठीक हो गया। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक हो गया, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम फर्स्ट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड रूल से रिलेटेड, फिर थर्ड रूल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो ये गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है, ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x गिवन है, ठीक हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, ये हमारे पास पैराबोला का पहला रूल है कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है तो उसे हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। ये इक्वेशन इससे रिलेटेड है पैराबोला के फर्स्ट रूल से रिलेटेड, और फर्स्ट रूल में हमारे पास ये इक्वेशन थी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। इन दोनों को हम कंपेयर करवाएंगे तो 8x इक्वल टू 4px। अब देखिए इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया, 4 यहाँ पर आके डिवाइड होगा तो 2 आएगा, तो p की वैल्यू यहाँ से हमारे पर 2 के इक्वल आएगी। अब हमने कहा था कि अगर इक्वेशन हमारे पर y स्क्वायर इक्वल टू 4px हो तो उसका जो हमारे पास पैराबोला होता है वो राइट की तरफ ओपन होता है, देखिए राइट की तरफ बिल्कुल ओपन है हमारे पास, ठीक हो गया। और इसकी जो डायरेक्टर्स की लाइन बनती है वो बिल्कुल यहाँ बनती है, देखें इस साइड में ये हमारे पास डायरेक्टर्स की लाइन होगी। x इज इक्वल टू, आप यहाँ पर इसे माइनस 1 का नाम दें और यहाँ पर इसे माइनस 2 का नाम दें और यहाँ पर आप डायरेक्टर्स की लाइन बनती है वो पहले हम डायरेक्टर्स को फाइंड आउट कर लें, फिर आपको इसकी लाइन का पता चलेगा, ठीक हो गया। जो फोकस होता है अगर ये इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, जो उसका फोकस होता है एफ इंटू पी जीरो होता है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। तो एफ इंटू पी की जगह हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, 2 पुट किया, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स की जगह देखें x इक्वल टू माइनस पी होता है अगर इक्वेशन हमारे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px है तो x इक्वल टू माइनस पी, x इक्वल को वैसे लिखा, पी की वैल्यू 2 फाइंड की पुट किया। अब उसने कहा है हमने मैच द पैराबोला इन एक्सरसाइज विद द फॉलोइंग इक्वेशन, हमने पैराबोला को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स की लाइन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन, तो अगर आप चाहें तो फोकस के अंदर के पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब देखें ये जो फोकस है हमारे पास एफ इन टू
टू और ज़ीरो निकला है, यानी कि ये हमारे पास फोकस जो है वो पैराबोला के अंदर होगा, तो ये हमारे पास वन होगा और ये टू होगा, तो यहाँ फोकस लाई करेगा, ठीक हो गया। और ये हमारे पास डेटस की लाइन है, यहाँ हमारे पास माइनस वन होगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस टू होगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू पर ये हमारे पास डेटस की लाइन है, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करते हैं सेकेंड रूल की बेस पर। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स हो तो हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है इससे रिलेटेड जो हमारे पास रूल है वो रूल नंबर टू है। यहाँ पर रूल नंबर टू यूज़ होगा, हमने इस इक्वेशन को देख कर अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा रूल हमारे पास यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर पी एक्स, हम इसे लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, फोर से फोर कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो पी इज इक्वल टू वन हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब देखें ये इसकी इसका जो पैराबोला बनेगा, अगर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर पी एक्स है तो इसका जो पैराबोला होता है वो लेफ्ट की तरफ ओपन होता है। ये देखें मैंने लेफ्ट की तरफ ओपन किया हुआ है, और डेटस और फोकस के पॉइंट को निकाल कर अब यहाँ पर इसे शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। कि उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि मैच द पैराबोलाज इन एक्सरसाइज वन टू फोर विद द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमने डेटस और फोकस को तो फाइंड आउट करना ही करना है, लेकिन हमने यहाँ पर इसकी जो पैराबोला की जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड इसका कर्व भी फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। यानी हमारे पास पी की वैल्यू वन के इक्वल आई थी, और फोकस हमारे पास अगर वाई इज इक्वल टू माइनस फोर पी एक्स है तो उसका जो फोकस होता है वो एफ इंटू माइनस पी और जीरो होता है। माइनस को वैसे लिखा, पी की वैल्यू वन पुट की, डायरेक्ट से एक्स इक्वल टू पी होता है, एक्स इक्वल टू पी की वैल्यू वन है, उसकी जगह हमने वन पुट कर दिया, ठीक हो गया। तो इस बेस पर हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे ये देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्स वाई, तो अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, ये हमारे पास पैराबोला का फोर्थ रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्स वाई होगा, तो इससे रिलेटेड जो रूल यूज़ होगा वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर पी वाई, जो कि रूल नंबर फोर है। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसे कंपेयरिंग करवाने से पी की वैल्यू थ्री ओवर टू हमारे पास हासिल होगी। अब अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर पी वाई की इक्वेशन हो तो उसका जो पैराबोला होता है वो डाउन की तरफ होता है। ये देखें बिल्कुल मैंने डाउन की तरफ बनाया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसके जो फोकस और डेटस के जो पॉइंट हैं उसकी इक्वेशन को उसके वो फाइंड आउट करके आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस फोकस एफ इंटू जीरो और माइनस पी है, जीरो को वैसे लिखा, माइनस को वैसे लिखा, पी के वैल्यू थ्री ओवर टू है वो पुट किया है। डायरेक्ट वाई इज इक्वल टू पी के इक्वल होता है, अगर इक्वेशन हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर पी वाई है तो वाई इज इक्वल टू थ्री, वाई की वैल्यू पी की वैल्यू थ्री ओवर टू है तो वाई इज इक्वल टू पी की जगह पुट करेंगे तो थ्री ओवर टू आएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर गिवन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी वाई। अब देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई गिवन है, ये हमारे पास पैराबोला का थर्ड रूल है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी वाई, ठीक हो गया। इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, इसीलिए इसे हमने कंपेयरिंग करवाना है, तो पी की वैल्यू हमारे पास वन ओवर टू के इक्वल आएगी, और पी की वैल्यू अगर वन ओवर टू के इक्वल आएगी तो इसका जो हमारे पास फोकस होगा वो एफ इंटू जीरो और पी होगा, यानी कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो जीरो है और वाई प्रेजेंट है। एक्स एक्सिस पर अगर वाई हमारे पास प्रेजेंट है, एक्स जीरो है, तो इसका मतलब है इसका जो हमारे पास फोकस बनेगा मीन के वो यहाँ बनेगा, वन ओवर टू यहाँ होगा। और इसके बाद जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास जीरो है, वाई प्रेजेंट है, यानी कि फोकस एफ इंटू जीरो और वन ओवर टू होगा यहाँ पर। और इसकी जो डेटस की लाइन है वो बिल्कुल बिल्कुल इसके सामने, जहाँ पर ये ओरिजिन के पॉइंट को कट कर रहा है इसके सामने बिल्कुल डेटस की लाइन होती है, और डेटस हमारे पास माइनस वन ओवर टू के इक्वल आता है तो यहाँ पर इसकी लाइन ये बनेगी, ठीक हो गया इस तरह से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। तो हम इसके डेटस और फोकस आपको दिखा देते हैं कि आपने कैसे फाइंड करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर का जो हमारे पास फोकस था एफ इंटू जीरो और पी था, जीरो को वैसे लिखा, पी की वैल्यू वन ओवर टू के इक्वल थी। जो डायरेक्टिस था वाई इक्वल टू माइनस पी था, माइनस को वैसे लिखा, पी की वैल्यू वन ओवर टू है। इसकी बेस पर एफ इंटू जीरो और पी ये पैराबोला के अंदर आएगा, और ये जो डायरेक्टिस की लाइन है या स्ट्रेट लाइन जिसे हम कहते हैं, ये जहां हमारे पास पैराबोला ओरिजिन के पॉइंट को कट कर रहा होगा बिल्कुल उसके सामने ये डायरेक्टिस की लाइन प्रेजेंट होगी, ठीक हो गया। से अगली वीडियो में हम पैराबोला के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एक्सरसाइज 10.1 में जितने भी पैराबोला से रिलेटेड होंगे उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।